पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा पति, रास्ते में ससुर ने कर दिया एक्सीडेंट, दामाद का एक पैर हुआ खराब। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरोद में एक पति अपनी पत्नी को लेने पहुंचा, जहां ससुर द्वारा उसे बुलाया गया था, लेकिन ससुर ने रास्ते में ही दामाद का एक्सीडेंट कर दिया। इसके बाद बाइक में टक्कर से दामाद का एक पैर खराब हो गया। जानकारी के अनुसार छोटू रजक पुत्र राजेत रजत निवासी गाजीगढ़ तहसील पोहरी ने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने ग्राम बड़ू तहसील पोहरी गया हुआ था और ससुर द्वारा उसे बुलाया गया था, लेकिन रास्ते में ही मोटरसाइकिल से ससुर द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया। 15 जनवरी 2023 को ससुर बहादुर द्वारा एक झूठी रिपोर्ट करा दी गई थी, जिसके बाद बहादुर रजक ने उचित कार्यवाही की मांग की है और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। वहीं उसने बताया कि ससुर ने कहा है कि बेटी से झूठी शिकायत करवा दूंगा एवं पत्नी को वह नहीं पहुंचा रहा है। बहादुर रजक ने उचित कार्यवाही की मांग की है। सुशीला जी, बच्ची की बहू कहाँ चली गई? आपकी बच्ची की माई घर रही है। क्यों? बनो को तो मैं नहीं रहती रहा। क्यों नहीं रहती? बाको पाम में कहीं नहीं रंदे रहे। अच्छा, तो आप कह रही कहीं और भी जा रही क्या है? हाँ, अंत जागी वो तो बाप फिर रहा होगा, देश में जागी वो तो। देश में किस किस के साथ? और खापा तो बे जाने मन ना, तभी देख भी नहीं आई मेरी लड़का देख लिया। शादी को कितने साल हो गई? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हाँ, कहती बच्चा बच्ची कोई नहीं करो पाने, बस माई कह रहे थी मेरा तो महीना 15 दिन आप। कितने साल रह गई हुई आपके घर पर? एक साल रही। हाँ। तो बच्चे वगैरह क्यों नहीं हुए? नहीं, नौकरी मैं तेरी मुड़मड़ी नहीं करती तेरे बच्चे, मैं तो अंत जाऊँ। तो संबंध भी नहीं बनाने दिए कोई? और का एक साल से बिल्कुल संबंध नहीं। तो आपने इसकी शिकायत उसके माँ बाप से नहीं की? बाप मैं कहीं नहीं, तो नौकरी वो मैं छूत कहीं मैं लगा तू हम बताएंगे दावा करेंगे मादा छूत पे वो तो पाकर तो पर रही ले भी जा तू मैं जानता नहीं है तेरे को। फिर मोड़ा से आ जाते। कहाँ की रहने वाली हो तुम? हम गाजीगढ़ की। शादी कहाँ हुई थी? बरौद। बरौद कहाँ? बेड़ार की बगल में। अच्छा, तो क्या नाम है आपके? शादी कैसे की थी? भाई को बाप है आऊंगा मैं तो सर, बाप को बाप है घर से की थी। सम्मेलन से? सम्मेलन से, सम्मेलन से करी है। लड़की की उम्र कितनी होगी? पापा तो भैया बाकी पता कितने का, बाकी बाकी बाप नहीं है मन पता नहीं है भैया। अब मैं मोड़ा 20 साल हो गए। छोटू कहाँ रहते हो? गाजीगढ़। क्या समस्या लेके आए हो एसपी साहब के पास? क्या हो गया? एक्सीडेंट करवा दिया, दावा कर दिया बहू ने। कौन ने? बहू ने। आपकी पत्नी ने? हाँ। कहना तो जो कह रहा मेरे ससुर कि सर वो जो पार्ट ठीक करवा दूंगा, बहू को पहुंचा दूंगा, दावा कर दिया और रिपोर्ट नहीं करा दी उसने। हाँ, पुलिस वाले सुनना नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 5 साल। 5 साल तो कितने साल रही पत्नी आपके साथ? 1 साल। एक साल जब से आपने इसकी शिकायत वगैरह नहीं की कहीं? नहीं करी। उसने जो कह रहा था कि बिदा से करूँगा फिर 1 साल बाद सब पहुँचा। कारण क्या है नहीं पहुँचाने का? पता नहीं है क्या कुछ तो आप बता रहे थे कहीं और बाकी तो आँख लग गई दूसरी जगह। कौन की? पत्नी की। हाँ। कौन से? दूसरी जगह। बाकी पापा मम्मी कह रहे हैं कि देश में बेचूँगा। कौन से लगे आँख ना? कौन से लगे पता नहीं है। दाकड़ के मोड़ आई। कहाँ का? बरौद का। बरौद कब से लगी है जी? वो तभी से उसकी शादी नहीं हुई था। जब ही से आपको पता कैसे चला? मेरे को पता चला मेरे भाई ने कही थी। फिर इतना कैसी सारी ना चाली ने कैसे जो कही थी कि जी तो बात जाकर के मोड़ा से बोलती है। उसका नाम है बोका कहते हैं। रिंकू नाम है उसका। अच्छा। हाँ, दागड़ का। तो कितने साल हुए इनके संबंध को? पता नहीं है। मेरे संबंध को तो 5 साल हुए। तुम्हारे साथ रही नहीं? बच्चे वगैरह नहीं है? जो कह रही थी कि बच्चे वगैरह नहीं करूँगी मैं तुम्हारे। क्यों? तुम्हारी जिंदगी खराब करूँ। तो कोई संबंध भी नहीं बनाने दिएगा तुम्हें? हाँ। शादी के बाद 1 साल तक रही और संबंध नहीं बनाए तुमने? नहीं बनाने दिया। क्यों? उसकी मम्मी गोली कब आई थी? महीना महीने की। कैसी गोली? तो देती कि गोली का लेना। कैसी? कैप्सूल वगैरह। नहीं तो संबंध तो बने होंगे ना तुम्हारे? पता नहीं है जी, तो मैं जानता हूँ। संबंध नहीं बनाए? जानती नहीं संबंध? देख ही नहीं है बेटा।